आकाश, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? पूनम जी, तबीयत अच्छी है, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पूनम बेटा, पापा आप लोग इस वक्त? बस कुछ नहीं बेटा, हम तो आकाश जी का हालचाल पूछने आए थे। अरे माँ, बाबूजी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे इतनी भी चोट नहीं आई है। बस इसीलिए आए थे आप? हाँ बेटा, और वो बेटा कुछ कुशन और तकिए चाहिए थे। आपके पापा के पैर के नीचे रखेंगे तो उन्हें ज्यादा आराम मिलेगा। हाँ हाँ, यहाँ तो कई तकिए हैं, देखिए ये छोटा वाला तकिया भी है। आपको जितना चाहिए ले जाइए, हम तो यहाँ दो ही जन है ना सोने वाले। आपको जितने चाहिए मैं दे देता हूँ। अभी आपकी चोट कैसी है? आप बिल्कुल ठीक है, देखिए अब तो मैं खड़ा भी हो गया आराम से, कल तक पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आपने इन्हें हल्दी का दूध तो दिया है ना? नहीं, अब हम बस अभी लाते हैं। नहीं नहीं पूनम जी, रहने दीजिए, हल्दी का दूध क्या, वो सुबह ही तो पिया था मैंने, अब बार बार क्या पीना? सुबह पी तो क्या हुआ, शाम को भी पीनी चाहिए, हम लेकर आते हैं। नहीं पूनम जी, आप रहने दीजिए, बेकार में परेशान मत होइए। हम कॉफी लेकर आए? माँ पापा आप लोग बैठिए, हम सबके लिए कॉफी लेकर आते हैं, बस दो मिनट। हाँ पूनम जी, ये ठीक रहेगा। आइए ना माँ जी, बाबू जी बैठिए, आइए। नहीं बेटा, वो तो हम लोग आपसे मिलने आए थे, अब हम चलते हैं, आप दोनों भी आराम करो। वो कुशन्स और तकिया दे देते बेटा आप। कुशल, सॉरी। आप लीजिए मुझे जी। एक आध और मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक क्यों दो ले जाइए, वो वैसे भी पूनम जी तो तकिया लगाती नहीं है, और मुझे थोड़ा दर्द है तो मैं भी सोच रहा हूँ आज बिना तकिए के सो जाऊं। मैं चलूं? नहीं नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। हा? जी माँ जी। अच्छा, गुड नाइट। चाहिए कि उसके पति को खाने में, पहनने में, उठने में क्या पसंद है, और ये तभी हो सकता है जब एक पत्नी पति की हर बात, उसकी पसंद नापसंद, उसकी हर चीज में शामिल हो। आप समझ रही हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? पूनम जी, आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ सो जाइए, मैं उधर सोफे पर सो जाता हूँ। नहीं आकाश, तुम यही सो जाओ, तुम्हें चोट लगी है, और वैसे भी हम कुछ और सोच रहे थे।
पूनम जी एक और तरकीब है। क्या? पूनम जी देखिए बन गई दीवार, तो आप आराम से सो सकते। हेलो, नमस्ते पापा, मैं दीपक बोल रहा हूँ। दीपक? हाँ बेटे बोल। कैसे हैं आप लोग? हाँ ठीक है बेटा। पापा वो पूनम ने ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में बताया था, सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। पापा मुझे बहुत डर लग रहा था कि आप लोगों को अगर कुछ हो जाता तो। नहीं बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग पूनम के ससुराल में ही है और हम लोग ठीक है बेटा। सॉरी पापा, पिछली बार आप लोगों से मैंने बहुत गुस्से में बात की थी, लेकिन मैं क्या करूं पापा, वक्त मेरा आज भी साथ नहीं दे रहा है, हालात वैसे के वैसे ही है। बेटा भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पहले आप अपने हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए, यहाँ हम लोग कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेंगे बेटा। ठीक है पापा, आप लोग अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। जी एक तकिया मेरे पैर के नीचे रख ही दीजिए, शायद आराम मिल जाए। पन्ना जी कैसे संभाल पाएंगे यहां हम, बार बार बैंक वालों का फोन आता रहा लेकिन एक बार भी हम फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। बस एक दो दिन में हमारा घर नीलाम हो जाए फिर क्या होगा वंदना जी, कहां जाएंगे हम, कितने दिन रह सकेंगे अपनी बेटी के ससुराल। नहीं अब हम और यहां नहीं रुक सकते, सबको तकलीफ हो रही है, पूनम के लिए तो और मुश्किल हो जाएगी, अभी तक वो अपनी खुद की गृहस्थी नहीं बसा पाई है उसमें हम। आप ठीक कह रही हैं वंदना जी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम किराए का मकान लेकर रह सके। हमारा बेटा दीपक भी इस परिस्थिति में नहीं है कि वो हमें पैसे भेज सके, ना ही वो हमें अपने पास बुला सकता है। किस्मत ने हमें ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब आगे के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता कि आखिर हम कहां जाएं। देखिए भगवान के घर में देर है, अंधेर में अभी आप सो जाइए, लेट जाइए।
सच्चाई है इन दोनों की? द खाने का ठौर, द रहने का ठिकाना, इसलिए ये दोनों यहां जमे हुए हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम किराए का मकान लेकर रह सके। उधर जब हमारा घर नीलाम होगा तो वहां का सारा सामान भी नीलाम हो जाएगा। दिव्या, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं, तुम यहां? दिव्या, सुबह से मेरे दिमाग में ना लल्लन टॉप विचार दौड़ रहा है। मैं सोच रहा था कि हम सब घूमने चले अब शहर से बाहर, शीतला माता मंदिर। देखो मौसम कितना सुहाना हो रहा है दीदी, गर्मी खत्म सर्दी कम और घर के झंझटों से दूर, इस बहाने ना तुम अपने संधियों से गुल मिल सकती हो। क्या क्या कहती हो, अब पिकनिक नहीं जाना है ना तो बाहर खाने पीने चलते हैं। अगर ये भी नहीं करना है तो जैसे कहकर गाड़ी में दूर तक सैर सपाटा करने चलते हैं। आजाद नगर में दिवाली का मेला लगा हुआ है और तुम ना वहां जाकर शॉपिंग भी कर लेना और अपने समधियों को भी घुमा देना। वो भी क्या याद करेंगे हमारी दरिया दिली को। कनू की चापेसी से तो बेहतर है ना। क्यों दीदी, आप कैसा लगा मेरा ये लल्लन टॉप आइडिया? अगर तुम्हारी देश सिर पैर की वाहियात बातें खत्म हो चुकी हो तो भगवान के लिए चुप हो जाओ। यहाँ मेरा सर फटा जा रहा है और तुम हो कि अपनी मूर्खता से बाज नहीं आ रहे। काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, ये कहावत है ना, बिल्कुल सही लागू हो रही है तुम पर। दिन भर डिंगे मारते फिरते हो, एक काम सही तरीके से नहीं करते। क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया मैंने? अरे क्या गलत नहीं किया तुमने? मैंने तुम्हें वहाँ लखनऊ में पता लगाने के लिए भेजा था, तुमने क्या किया? वहाँ खाया पिया ऐश की और वापस चले आए। ये जो हमारे घर में ये मेहमान बैठे हुए हैं ना, जिनसे तुम और कनु बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर उनकी खातिरदारी कर रहे हो, अरे वो लोग कंगाल हो चुके हैं। उनका घर नीलाम हो रहा है, पाई पाई के लिए वो लोग मोहताज हो गए हैं। क्या बात कर रही हो दीदी, ये किसने बताया तुम्हें? मुझे किसने बताया? मुझे जो जानना होता है ना, मैं कुछ भी करके वो जान लेती हूँ। अब क्या करेंगे दीदिया, इन कंगालों को यूं ही पालेंगे? मैं अभी इन सबको बाहर निकालता हूँ, झूठे मक्का कहीं के। बस बस, तुम बिल्कुल चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं करोगे। अब जो भी करना है मैं करूंगी, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी ये सजा है कि कुछ दिनों के लिए तुम चुप रहोगे, न समधियों के मुंह लगोगे न किसी को कुछ कहोगे। अब जो करना है मैं करूंगी। रहे दोनों देखो कैसे आठ से बैठे हुए, जैसे इस घर के मालिक ये दोनों। अरे बहन जी, आप? वो हम ऐसे ही खाली बैठे हुए थे तो हमने ही पूनम से कहा कि
हमें भी काम दे दीजिए तो। ये तो आपका बड़प्पन है समधन जी, नहीं तो घर के काम के लिए मेरी दो दो बहुएं हैं, दिनेश है, मैं भी हूं, पर फिर भी आप। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम भी अभी उठने ही वाले थे, इनकी दवाई का समय हो गया है तो बस हम चले। आप आगे चलिए, हम ये किचन में रख के आते हैं। दिव्या तुमने तो ऐन वक्त पे पासा पलट दिया, जमकर खरी खोटी सुनानी थी इन्हें। सुनाऊंगी बच्चों, जरूर सुनाऊंगी, पर अपने तरीके से। इतना सुनाऊंगी कि बेचारी ये खुद ही यहां से जाने के लिए तड़प उठेंगे, और उस लालची और चापलूस कन्नू से भी कायदे से निपटोगे। फिलहाल तुम अपना मुंह बंद रखोगे, सच क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सही वक्त पर यही सच मेरे लिए बंदूक से निकली गोली की तरह काम करेगा। गोली एक, निशाने दो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।